सो हाउ वी कैलकुलेट सैम्पल साइज़ कितना सैम्पल बड़ा हमें लेना चाहिए किसी भी रिसर्च के अंदर या कितना काफ़ी होगा यूजली सैम्पल साइज़ को सिलेक्ट करने के लिए तीन uh, पैरामीटर्स होते हैं कि आपने कितना सैंपल लेना है इसके अंदर हमारा एक इफेक्ट साइज़ होता है एक हमारा पावर ऑफ द टेस्ट होता है और एक हमारा एल्फा लेवल होता है द सैंपल साइज नेसेसरी टू अचीव गिवन लेवल ऑफ पावर कैन बी कैलकुलेटेड बाय सेटिंग द वैल्यू ऑफ वन माइनस पीटा एक रूल ऑफ थम जैसे हम कहते हैं ना कि 95 फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस इन ट्रेवल हम लेते हैं मोस्टली वैसे तो 99 भी ले सकते हैं 99.9 भी ले सकते हैं इट्स अप टू द रिसर्चर कि हाउ मच मार्जिन ऑफ एरर ही और शी वांट्स टू लीव बट स्टिल फॉर द पावर आल्सो वी हैव अ रूल ऑफ थम कि हम कहते हैं कि एटी पावर और ट्वेंटी बीटा को सेट करते हैं हम यानी बीटा विल बी ट्वेंटी एंड पावर विल बी वन माइनस ट्वेंटी विच बी इक्वल टू एटी सो so, पावर से अगर हम जब डिटर्मन कर देते हैं कि हम इतनी पावर के ऊपर यानी हम मार्जिन ऑफ टाइप टू एरर रखते हैं तो उसको देख के हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने सैंपल साइज़ कितना लेना है नॉर्मली वी हैव अल्फा लेवल ऑफ पॉइंट जीरो फाइव एंड पावर पॉइंट एट एंड मॉडरेट इफेक्ट साइज़ हाँ इफेक्ट साइज़ की तीसरी बड़ी इंफॉर्मेशन इफेक्ट साइज़ क्या होता है इफेक्ट साइज़ का मतलब है कि स्ट्रेंथ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इफ़ेक्ट और मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस जैसे मैंने अभी बात की कि फ़र्ज करें बॉयज़ और गर्ल्स में एक्टिविटी लेवल पे कोई ख़ास फर्क नहीं है बहुत ही स्मॉल पॉइंट्स का फर्क है लेकिन स्टिल आप उसको सैम्पल साइज बढ़ा करके डिटेक्ट कर सकते हैं राइट लेकिन अगर हमारा बहुत ह्यूज इफेक्ट साइज हो यानी दे आर सो डिफरेंट एंड दे आर सो अपरेंट इन द पॉपुलेशन इवन इफ यू टेक अ स्मॉल सैम्पल यू विल डिटेक्ट एंड यू विल मेक अ राइट डिसीजन सो इफ़ेक्ट साइज़ नॉर्मली जो है वो हम रिसर्च uh, से डिटर्मिन करते हैं हमारे प्रीवियस जैसे आप थीसिस करते हैं तो हम यूजली कहते हैं कि आप थेरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं प्रीवियस लिटरेचर देखते हैं और आप देखते हैं कि कोई भी दो वेरिएबल्स में पिछली रिसर्च क्या सपोर्ट करती है कि हमारा स्ट्रॉन्ग uh, रिलेशनशिप है या फिर वो वीक रिलेशनशिप है सो so, अगर पिछली रिसर्च हमें ना भी गाइड करे फिर भी अगर आप रूल ऑफ थम के चलना चाहें तो हम यूजली मॉडरेट इफेक्ट साइज़ उसके अंदर रखते हैं सो इफेक्ट साइज़ एल्फा लेवल एंड पावर पावर इज वन माइनस बीटा यानी कितने परसेंट आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप टू एरर को रखना है सो यूजिंग पावर टू कैलकुलेट द नेसेसरी साइज इज द मोर कॉमन एंड मोर यूजफुल सो आउट ऑफ थ्री हम मेनली पावर के ऊपर जाके अपना साइज कैलकुलेट करते हैं और मैंने बताया कि रूल ऑफ थम के तहत पॉइंट एट हम उसकी पावर रखते हैं द एक्चुअल कॉम्पिटेशन आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड सैम्पोसाइज निकालने की देयर आर फॉर्मिलाज एज़ बाकायदा तौर पर पूरा उसको खुद से आपको मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ता है बट जैसा हमने कहा एस पी एस एस हमारे लिए ज़िंदगी आसान कर देता है इसी तरह हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं जिसकी मदद से अगर हम ये तीनों इंफॉमेशन प्लाग इन करें सॉफ्टवेयर विल डू वर्क फॉर अस एंड विल टेल अस कि राफरी हमें कितना बड़ा सैम्पल लेना चाहिए वन सच सॉफ्टवेयर इज़ जी पावर विच इज़ वेरी सिंपल विच इज़ वेरी ईजी टू यूज़ G's power is a free to use software or a general power analysis program which is meant for determining the sample size and analyzing power in research studies. G power is freely available. Hai. Type it, Google it, and download it, and run it. So, calculating sample size in G power. To do this, in you need hypothesis. And we have testing hypothesis maybe we um. एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर में भी बताया कि हमेशा हम अपने हाइपोथेसिस पहले स्टेप पे स्टेट करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करते हैं हम क्रिटिकल रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं हम एक्सेप्टेंस रीजन को मार्जिन करते हैं और फिर हम क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं पी की या फिर अपने टेस्ट वैल्यू निकालते हैं और फिर हम डिसीजन करते हैं कि वैल्यू इधर लाइंग इन क्रिटिकल रीजन और इन द एक्सेप्टेंस रीजन सो यू विल मेक योर हाइपोथेसिस नंबर टू यू विल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और नंबर ऑफ ग्रुप्स आपके कितने हैं और फिर वट स्टेटिस्टिकल यूजिंग टी टेस्ट एफ टेस्ट जी टेस्ट को रिलेशन रिग्रेशन वट एवर ये आपने उसके अंदर इन्फॉर्मेशन पुट इन करनी होगी जी पावर के अंदर सो यूल द जी पावर सॉफ्टवेयर द एल्फा लेवल यू टेल द पावर ऑफ़ द टेस्ट विच इज़ पॉइंट एट एंड यू टेल के इफेक्ट साइज इसमें स्मॉल है मीडियम है या लार्ज है अगर आपको सच नहीं पता कि मेरे वेरिएबल्स किस तरह से रिलेटेड है और कितना स्ट्रॉन्गली रिलेटेड है तो मे बी मीडियम इफेक्ट साइज को चूज़ करना इज़ अ सेफर ऑप्शन दिस इज़ अ एग्ज़ाम्पल और ये देखें फिर दोबारा से मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारी ये वाला जो एरिया है ये हमारा बीटा लेवल है यानी प्रॉबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप टू एर ये हमारा एल्फ़ा लेवल है प्रॉबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप वन एरर सो so, आपका बेसिकली ये हमारा नल हाइपोथेसिस वाला है डिस्ट्रीब्यूशन और ये हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस यानी आल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने अपना हाइपोथेसिस रिसर्च का प्रपोज किया है सो दिस इज़ द जी पावर सॉफ्टवेयर ये इसका वर्जन अवेलेबल है फ्री ऑनलाइन आप उसको ड्रा करते हैं और वो बिल्कुल पावर अनालिस को यूज़ करते हुए आपके लिए सैम्पल साइज कैलकुलेट करता है इसके अंदर आपने जो इंफॉर्मेशन देनी है बेसिकली ये आपके सामने uh, मैंने टेबल दिया हुआ है दिस इज़ एग्जैक्टली आई कॉपीड फ्रॉम द जी पावर सॉफ्टवेयर दिस इज़ द इंफॉर्मेशन कि आपका टेस्ट फैमिली क्या है जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि ये है कौन सा टेस्ट मैंने रन किया है फिर आपका अनालस um, प्रपोज कौन सा है और यहाँ पे आप बाकी इन्फॉर्मेशन उनको देंगे अल्फा लेवल की आपकी टाइप बीटा टाइप टू वर की प्रोबेबिलिटी और आप पावर ऑफ द टेस्ट पॉइंट एट यहाँ पर देंगे एंड देन यू विल आस्क the g power to calculate the sample size for you and it will throw you the number on medium effect size given the power 0.8 and the given alpha 0 0.05 this is the number of uh, subjects or sample you should take